आज की वीडियो में चर्चा होगी दोस्तों परिवार के विषय में, पारिवारिक संबंध संबंधों का विषय। दूसरी बात होगी संयुक्त परिवार और एकल परिवार के लाभ। परिवार को बचाए रखने के लिए जो प्रमुख बिंदु हैं वो भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सहबक्सी, आपका हेल्थ वेल्थ लाइफस्टाइल एडवाइज़र। आज चर्चा हो रही है दोस्तों परिवार के विषय में, संयुक्त परिवार और एकल परिवार। दो प्रकार के परिवार होते हैं। संयुक्त परिवार वो कहलाते हैं जिनमें तीन पीढ़ी, माता पिता, उनके पुत्र और पुत्र के पुत्र यानी नाती या पोता जो होते हैं वो भी साथ में रहते हैं, तो ये संयुक्त परिवार होता है। और एकल परिवार में सिर्फ पति पत्नी और उनके बच्चे रहते हैं। तो परिवार को बचाना आज का विषय है, बहुत आवश्यक है दोस्तों। ये विश्व की सबसे अच्छी जीवन शैली है, ऐसा अन्यत्र देशों में देखने को नहीं मिलता। जितनी सुंदर व्यवस्था हमारे भारत देश में पहले से चली आ रही है, पंजाब में सांझा चूल्हा चलता है, उसमें कई पीढ़ियां साथ में रह के और एक ही चूल्हे पे खाना बनाती हैं। भले वो अपना कारोबार अलग करते हैं लेकिन खाना एक साथ खाते हैं, शाम को सुख दुख अपने बांटते हैं एक दूसरे से। तो इसी प्रकार से संयुक्त परिवार में होना चाहिए। काम भले आप अलग अलग करें पर भोजन एक साथ करें, एक साथ बने। दोस्तों संयुक्त परिवार के लाभ के बारे में चर्चा करें तो इन परिवारों में मानसिक तनाव नहीं रहता, एक दूसरे का सहारा होता है। सामाजिक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो उसे समाज में रहना ही अच्छा लगता है, जबकि एकल परिवार में मानसिक तनाव, घुटन और अकेलापन ये सब परेशानियां जब आती हैं तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। जबकि संयुक्त परिवार में एक दूसरे से लोग सुख दुख शेयर करते हैं और वो इस प्रकार की समस्याओं से बचे रहते हैं। संयुक्त परिवार का एक लाभ ये भी होता है दोस्तों कि काम बांट लिए जाते हैं तो बहुत अच्छे से काम चलते रहते हैं। पता चला एक ही काम के लिए जब अलग अलग चार भाई हो जाते हैं तो अलग अलग जाना होता है उनको, जबकि संयुक्त परिवार में एक आदमी पूरा बाजार करके आ जाता है, एक आदमी अपना खेतीबाड़ी का काम देख लेता है, एक आदमी संबंधों में जैसे कहीं रिश्तेदारी या ब्याह शादी है कहीं तो उधर जाता है, तो एक आदमी होके आ जाता है, पूरे परिवार के व्यवहार चल जाते हैं। अब यदि अलग अलग हो जाते हैं एकल परिवार में सभी को जाना होता है, तो एक ये भी वो बहुत फायदा होता है संयुक्त परिवार में। संयुक्त परिवार में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो एक रखवाले की तरह घर पे रहते हैं, पूरे घर पे संरक्षण या निगाह रखते हैं। छोटे बच्चों को लाड़ प्यार एवं अपने जिंदगी के अनुभव साझा करते हैं और उससे ये भी होता है कि बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं जिससे आपके बच्चे का मानसिक विकास होता है। उसकी कहानियों से वो प्रेरणा लेता है और अपने जीवन का निर्धारण करता है। जबकि आया या नौकरों के भरोसे जो बच्चे पलते हैं या बढ़ते हैं उनमें वो संस्कार का अभाव होता है, इसलिए अपने बड़े बुजुर्गों को साथ में रखें। दोस्तों आखिर कितना खर्च आएगा आपको, एक नौकर को आप उससे ज़्यादा दे देंगे, जबकि एक रखवाला मिल जाता है घर में, दूसरा बच्चों का संरक्षक मिल जाता है आपको, एक अनुभवशाली व्यक्ति आपको मिल जाता है, कोई किसी भी विषय पर आपको राय सलाह लेनी है, मशवरा करना है, तो एक पूरी ज़िंदगी का अनुभव होता है उनके पास, वो आप फ्री या निःशुल्क ले सकते हैं। जब से समाज में ये आया और नौकर का प्रचलन बढ़ा है तब से संस्कारहीन बालक अधिक, क्योंकि पता चला माता पिता दोनों सर्विस करने चले जाते हैं, आया या नौकर के भरोसे बच्चे रहते हैं या किसी स्कूल में भेज दिए जाते हैं, पता चला वो अत्यधिक परेशान होकर उनको कोई नशे की गोली देने लगे या कुछ इस टाइप से करते हैं कि उनका जो लालन पालन या जो लाड़ प्यार उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। इसलिए कोशिश करें कि संयुक्त परिवार बचे रहें, उनको बचाएं, हर हाल में बचाएं। यदि संस्कृति बचाना है, देश बचाना है तो परिवार को बचाना ही होगा। ये बात अलग है कि किस किस की क्या भूमिका होगी परिवार में, इसके अलग अलग वीडियो आगे आपको हम देंगे,
आप देखें और परिवार को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास करें ताकि आप एक अच्छी जिंदगी जी सकें। मकान बहुत बड़े बड़े बना रहे हैं लेकिन वो घर रहने लायक नहीं है, क्योंकि इतना विरोध है, तनाव है, एक दूसरे में ईर्ष्या, द्वेष है, पाखंड है कि ये सब नहीं होना चाहिए। दो सगे भाई हैं, आपस में रहते हैं, साथ में रहते हैं, भले उनको कम जगह मिले, एक कमरा कम मिल जाए तब भी विवाद नहीं करना चाहिए, एक हाथ कम जगह ले लें तब भी संतुष्ट रहें, तो कम से कम एक साथ में तो रहेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में काम तो आएंगे। पर आज के इस भौतिकवादी युग में एकल परिवार के बढ़ते चलन में डिप्रेशन, मानसिक अवसाद, अनिद्रा और सामाजिक विघटन का कार्य बहुत तेज़ी से हो रहा है। इसको रोकना होगा दोस्तों, परिवार को बचाना होगा, इससे हमारे संस्कृति बची रहेगी, हमारा देश सुरक्षित रहेगा और नौनिहाल जो बच्चे हैं वो भी संस्कारवान होंगे। एक नौकरी या आया के भरोसे उनमें वो संस्कार डेवलप या निर्मित नहीं हो सकते जो समाज के लिए आवश्यक हैं। आजकल एक चीज़ और बहुत देखने में आ रही है कि घरों में हुड़ा हिस्की बहुत ज़्यादा होती है। कुछ लोग होते हैं जो बाहर का काम अच्छे से कर सकते हैं, जबकि कुछ लोग होते हैं जो खेतीबाड़ी का काम अच्छे से कर सकते हैं। पर कुछ समाज में ऐसे लोग भी होते हैं कि एक दूसरे के कानों में भर देते हैं, तो किसी की बातों में ना लगें, जिस पे जो अच्छे से काम बनता है वो किया जाए, क्योंकि वो खेती वाले जो खेती का काम करता है वो शहर के काम नहीं कर सकता, और जो शहर में जो काम हैं तो वो काम गाँव वाला नहीं कर सकता। तो इसलिए परिवार को बचाना है तो ये होड़ा हिस्की या कॉम्पिटिशन बंद करना होगा। आपको साथ में रहना है तो परिवार को जिंदा रखना है, तो बिल्कुल कॉम्पिटिशन की कोई गुंजाइश नहीं बनती दोस्तों। केवल प्यार और विश्वास के साथ जो कार्य आप पे अच्छा बनता है पूरी लगन और निष्ठा के साथ करें ताकि परिवार में एकता बनी रहे। काम कोई सा भी कम नहीं होता, किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। खेती वाले को आप ये सोच के अंडर एस्टिमेट ना करें कि ये क्या करते हैं, बस खेती ही तो जाते हैं या शिफ्ट ही तो बदलते हैं या मतलब तो बहुत छोटा मोटा कार्य ये समझते हैं, या खेती वाले ये ना समझें कि भैया जो शहर जाते हैं तो वो घूम के आ जाते हैं या तहसील में जाके बैठे रहते हैं, बस कुछ नहीं करते। इस तरीके से नहीं, उधर भी परिश्रम और बुद्धि की ज़रूरत होती है और खेत पर आपके परिश्रम की ज़रूरत है, तो दोनों अपनी अपनी भूमिका के बिल्कुल निष्ठापूर्वक पालन करें तो परिवार तभी बचते हैं दोस्तों। दोस्तों अपने परिवार में माता पिता या बुजुर्गों का सम्मान बनाए रखें, उनका सम्मान रहेगा तो आपका सम्मान रहेगा। एक बात और देखी जाती है कि पति पत्नी एक दूसरे के सम्मान का ध्यान नहीं रखते, तो वो भी सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी एक दूसरे को देनी चाहिए, उसके बाद तीसरा रिलेशन आता है। जब ऐसा होता है, एक दूसरे का सम्मान बना रहता है, तो पूरे परिवार में एक संस्कार बनता है कि सभी एक दूसरे को सम्मान देते हैं। दोस्तों परिवार में बच्चों को समान व्यवहार करना चाहिए। पता चला एक भाई के बच्चे को अधिक प्यार कर रहे हैं आप, एक भाई के बच्चे को कम, तो उससे यहीं से कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है। आपके लिए समान होना चाहिए, बड़े बुजुर्गों को अपने बच्चों के प्रति समान व्यवहार रखना चाहिए। जैसे आप मुखिया कोई भी चीज़ लेके आता है तो वो समान रूप से सारे परिवार को बांटी जानी चाहिए ताकि परिवार में एकता और समरूपता बनी रहे। कई बार दोस्तों छोटी छोटी बातों को लेके परिवार में जो कलह पैदा होती है वो एक बड़े सुख से आपको वंचित कर देती है, बहुत बड़े सहारे से आपको वंचित कर देती है। तो आशा है कि आप ये छोटे छोटे जो मतभेद हैं इनको भुलाकर, छोटे छोटे स्वार्थ और लोभ को दूर करके संयुक्त परिवार को बचाने की मुहिम में आप आगे रहेंगे और परिवार को जिंदा रखेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।